अजीका एयर होस्टेस से एक्टिंग का करियर फिर कैसे स्टार्ट किया? इस सवाल का जवाब वैसे तो मैं एक इंटरव्यू में दे चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ। पहले बेल बजाओ फिर सवाल पूछो, फिर जो आपको चाहिए वो मिलेगा। अच्छा हो जाए मुसाफिर ना, नहीं जहाज उड़ना ही है ये रोसल बुला के उतरना कदों यह कह रहा हूँ जहाज 5 घंटे चलाओ थले जाके भी तो बेइज्जत ही होना है। अकरम साहब वर्गे पैसेंजर ना बीमार होंगे ज्यादा। अच्छा 35,000 की टिकट है, 70,000 की जहाज दवाइयां खा जाते। मैंने जवाब लेने उनसे जवाब देना है। अभी मेरी एक बात रहेगी जी, अकरम साहब वर्गे पैसेंजर जहाज बह के यही सोच रहे होंगे ने यार जब मेरे सीट देते ने वॉशरूम के कोल देते हनी भाई यार के बंदे ना बिच बह के सोचन दे होंगे यार मैनू कोई लाज ना दे। मैं आपको बेल बजा दूं इधर सर पे बस इसका तीन हजार आए फ्लाइट 2 घंटे लेट है। पीछे आ जाओ सिगरेट पीने वैसे एक आप लोगों को बात बता दूं कि कैबिन क्रू का काम जो दर हकीकत है वो बेशक सर्व करना है, लेकिन दे आर सेफ्टी ऑफिसर्स कि आप लोगों के जो भी जहाज में अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का हादसा या कुछ पेश है में, तो ऑक्सीजन की फराहमी में कमी के लिए आप मास्क लगाएं वो सब ये सब बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा कहना पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में अगर जो काबिले इज्जत शोबे हैं उनमें से एक क्या से क्या बात। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं जब इस शो का आगाज हुआ था तो मैंने जो सबसे पहली आवाज़ उठाई थी शो से वो एयर होस्टेसेस के लिए। अरे क्या ये हो सकता है मेरी तो बेटी नहीं है, हो सकता है मेरे भाई की बेटी जी। वो चाहे कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती है तो ये तो बड़ा बड़ा मजेदार और बहुत एंजॉय और वाकई ये इन लोगों का बड़ा हौसला और होता है क्या हमें बर्दाश्त करते हैं उधर जाके ना कोई ऐसी जब होती है एयर पॉकेट आती है तो घबराहट तो पहले मैंने किसी बुजुर्ग ने कहा कि अमले नु वेखना है अगर वो बहुत डिस्टर्ब है तो फिर तुसी भी डिस्टर्ब होना। अकरम साहब जे अगर रेगुलर है तो फिर तुसी कहना ये रोज है लंग जाना काम है। अकरम साहब जहाज से बैठे एयर पॉकेट आई ने अपनी पॉकेट फाड़ ली हनी भाई जहाज से बैठे ना तो सीट लो वेख के ना अपने ढिड लो वेखे कहंदे पुत्र मैनू इत्थे दरी छोड़ दे। एक्टिंग करियर फिर कैसे स्टार्ट किया आपने? एयरलाइन से स्टार्ट हुआ था इस तरह के अब वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं। छुप के काम करते हैं नाम नहीं बता सकते। डॉक्टर अली काजमी वो हमारे डॉक्टर थे पीआईए। डॉक्टर साहब क्या बात है इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं वो क्या बात है। तो वहाँ से मेरे करियर का आगाज हुआ और मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था वो हम लोगों ने जापान में शूट किया था और बहुत मजा आया था। क्या उसके डायरेक्टर मोहसिन तलक थे? बिल्कुल। ये कौन से साल की बात है ये ना पूछे। 2010 लदस लेकिन उसके बाद मैंने 2 साल कोई काम नहीं अभी 2-3 साल उसके बाद कुछ नहीं मैंने किया। तो अभी आपने बताया 2010 के बाद 2-3 साल आपने काम नहीं किया क्यों याददाश्त चली गई? नहीं मुझे पूरा यकीन था कि मुझे एक्टिंग नहीं आती और मैं एक्ट्रेस नहीं बन सकती। तो फिर क्यों कर दे जो यकीन है तो गलत हो जाए फिर क्यों किया? नहीं वो देखे ना अब देखे जो हमारी पाकिस्तान की हीरोइन है अभी एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर कर रही है हम उसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं बताएंगे लेकिन मैं जानता हूँ उस बात को क्योंकि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं इरफान गांजी साहब उनका प्रोजेक्ट है और बड़ा मुश्किल रोल है जिसमें अजीका हाथ डालने लगी है। हमारी दुआ आपके साथ है आपको बेस्ट।